क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा तू दिल के अपने दिल के अंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नौशरी आ गया हूँ। जैसे घड़ी के 8 बजते हैं, राव सर हाजिर हो जाते हैं एक नया और मस्त धमाकेदार वीडियो। बाबू जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका जो वीडियो है इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7 की। आई होप आपने मॉक टेस्ट 6 तक तो बेटा लगा लिया होगा। अगर जिस भी स्टूडेंट से, जिस भी बच्चे ने अगर नहीं लगाया तो बाबू दिल से कह रहा हूं, हॉल में बैठ जाने के बाद याद करोगे हम जैसे लोगों को कि काश मॉक टेस्ट लगा लेते तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ पे होता। तो बाबू अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको आराम से वो मिल जाएगा और उनको आराम आराम से लगा लेना। बात क्लियर है क्या? और आपके जो अंदर अब जो आग है वो आग सर डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं और आपकी जो डेट है वो आपको कंफर्म हो चुकी है। तो बाबू अगर अभी भी रिजाइन में घुसकर अगर तुम लोग सो रहे हैं, वीडियो देख रहे ना, तो यकीन मानो तुम कुछ खो रहे हो। जो ये रिजाइन में घुसकर वीडियो देख रहे हैं या फिर वीडियो सुन रहे हैं, यकीनन मानिया कि कुछ कुछ खो रहे हैं। ठीक है, बात वही है बेटा कि अपने मेंटल क्या चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। बात करते हैं आपके पास एक दीर्घवृत्त है रखा है और उसकी क्या याद करनी सेफ्टी शीट। देखो अगर कॉलेज सेक्शन से अगर क्वेश्चन बनना वो तो डायरेक्टली सेफ्टी शीट पूछ लेगा, ना भी पूछ लेगा और या फिर उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। बेटा ज्यादातर सवाल यहाँ पे बनते हैं सर चीज की जो इंसेंटिसिटी है। देखो मैं बेटा मैं आराम आराम से बता देता हूँ। अंडर रूट 1 माइनस मैंने क्या कहा ये बताओ किसकी तरफ खुलेगा, ये एक्स की तरफ खुलेगा, वाई की तरफ। सर जी जो बड़ा है उसी की तरफ खुलेगा। तो बेटा हमेशा मैंने क्या कहा, नीचे हमेशा बड़ा वाला आता है, नीचे हमेशा बड़ा वाला आता है। इसको सॉल्व कर बाबू कितना आएगा सर, ऐसे आया 12, 12 में एक का भाग दिया तो आया 12 और 12 में सिक्योर हो गया तो 12। बेटा 12 में अच्छा दो की टेबल से काटेंगे यहाँ पे 6। अच्छा वैसे तो कट रहा था 2 अंडर रूट 3, ये आ गया बेटा 2 और अंडर रूट का 3। ये अपनी क्या गई सेंट्री सिटी, ये 4 की टेबल से कर सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखा एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ कर्व से इतना इतना एंगल बना ले तो जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएंगे। बेटा मैंने कल अनुपात वाला द्विकोजा वाला सवाल दिया था तो सर एल कोस अल्फा और एम होता है कोस बीटा और एल होता है कोस गामा, होता नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, तीनों में सबक क्या होता है सर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना बेटा 1 होता है। सर जी बाकी सभी के मान रखे हैं, इसका मान कितना 60 डिग्री और कोस 60 का मान कितना होता है सर, कोस 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है 1/2। लो जी सर, सर कोस 30 का मान किसका, कोस 30 का मान क्या था बाबू अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। सर ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है तो बेटा लो कैलकुलेट करना। तो सर जी हमें किसका मान चाहिए, कोस स्क्वायर गामा का चाहिए। लो जी बेटा सर एक ऐसा ये बेटा 1/4 उधर जाके माइनस का 1/4, ये वाला 3/4 उधर जाके माइनस का 3/4। सर ऐसे किया तो कितना आया बाबू 4 आया। सर 4 में का भाग दिया तो 4 आया, 4 को ऐसे भाग दिया तो 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 3। बेटा अपना जो आंसर है सर जी यहाँ पे आ गया 0/4 आया। तो सर जी यहाँ पे कितना आया कोस स्क्वायर गामा, तो बाबू अपने पास कोस गामा का जो मान वो कितना आएगा 0। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एन यूनियन दे रखा है 700, ए दे रखा है 200 और बी दे रखा है 300, इंटरसेक्शन दे रखा है 100, इतना मान बताना है। बेटा ये सवाल मैं कल भी लेके आया था सर, ये जो सवाल है वो डी मोर्गन थ्योरम से आया हुआ है और वहां से पूछा है। तो बेटा डी मोर्गन थ्योरम क्या होता है सर जी, डी मोर्गन थ्योरम ये होता है, ये लो इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल गुरु जी, ए यूनियन बी के इक्वल और इसका भी होल डेज। सर ये क्या होता है बेटा, मैंने क्या कहा जिसका भी अगर डेज पूछे ना उसको यूनियन में से घटा दो। लो जी सर यूनियन कितना बेटा सर जी 700 और माइनस
सजी यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मान प्लस बी का मान माइनस किसका मान, 100 का मान। बेटा इसको सॉल्व करो, सर जी कितना आया, 700 आया। बेटा इसको सॉल्व किया कितना, 500, और 500 में 100 गए तो 400, तो अपना जो राइट आंसर वो कितना आ गया सर जी, 300 आ गया। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि ए तथा बी दो इकाई सदिश है तो तथा थीटा के बीच का कोण हो तो साइन थीटा बाई टू का मान। और बेटा इसी सवाल को मैंने रिपीट किया यहाँ पे बाबू, ये दो सवाल है, दो सवाल रट लो बेटा कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, इनको डायरेक्ट आप याद रखो। सर जी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, साइन पूछे ना, क्या पूछे, साइन अगर पूछे तो नेगेटिव, अगर कोस पूछे तो पॉजिटिव, साइन पूछे तो नेगेटिव और कोस पूछे तो पॉजिटिव, ये तुम लोगों को आना चाहिए दो चीज बेटा। अच्छा मैंने माइनस कर दिया क्या, प्लस आएगा बेटा। साइन पूछे तो कितना सर जी, नेगेटिव। कोस पूछे कोस का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का प्लस करना, यहाँ पे कर देना प्लस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 1 प्लस एक्स की पावर 10 के विस्तार में मध्य पद कितना होगा। बेटा इसका मध्य पद, अगर बाबू अगर ये पावर सम होती है ना, अगर सम होती है तो सर जी एन बटा दो और प्लस का एक करते हैं। बेटा 10 बटा दो और प्लस का एक किया तो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया, 6। तो मध्य पद 6 ज्ञात कर लेना, आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं समझा दूंगा। 10 यहाँ पे 6 बचे, उससे एक कम यहाँ पे, यहाँ पे एक का मान ये बी का मान, बाबू ये जितना होता है वो इतना होता है, दोनों का डिफरेंस याद करता है, इसको आपको सोल्व करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर 3 के विस्तार में सभी गुणांकों का योग। बेटा ऐसा सवाल बनते हैं और गुणांकों का अगर योग पूछे सबके जो है एक रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर जी, x का मान कितना रखना है, एक रखना है, तो दो सर एक, एक और माइनस का 3 और इसकी पावर कितनी, 319। बेटा इसको सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का 1 यहाँ पे कितना आया, 1। सर जी एक की पावर से 10,000 करो, उसका आंसर कितना आता है, 1 होता है। बेटा इस समय विषम विषम में तो सर नेगेटिव ही है, तो आपका जो आंसर हो कितना आएगा, विषम आएगा। बात क्लियर है क्या, हाँ जी। सर साइन स्क्वायर 17.5 और साइन स्क्वायर 75 का मान क्या होगा, बाबू इसको तो ऐसा कैसा रख दो, ये लो सर जी ऐसा का ऐसा। बेटा 90 में घटाओगे इसको, सर जी इसको कैसे लिखेंगे, सर साइन स्क्वायर 90 माइनस का 72.5। बेटा ये बताओ ये वाला तो ऐसा कैसा, और प्लस सर जी साइन 90 पे चेंज होता है और किस हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कहने का मतलब, अच्छा मैंने ये लिख दिया यहाँ पे बेटा 17.7 यानी 17.7 ये यानी इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या देगा, कोस स्क्वायर 17.5। बेटा इधर साइन स्क्वायर 17.5, इधर कोस स्क्वायर, इसका जो मान हो कितना आता है, 1। पहली सरसमिका से आया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, 10 की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है x का मान दे रखा है, y का दे रखा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, dy dx ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, dy dx से ज्ञात करना है। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल है क्या बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो बेटा पहले तो x का निकाल लो, किसके सापेक्ष, सर t के सापेक्ष, कितना बेटा 2 आ गया जाएगा और पावर 1 हो जाएगी। और सेम एज इट इज बाबू किसका y करेंगे d के t के सापेक्ष से, तो मुन्ना भाई कितना रहेगा, 2 हो जाएगा। अब वो आपस में डिवाइड कर दो, यानी y वाले को x के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2a, तो ऊपर और नीचे कितना है, 2a और डिवाइड में और 1 अपॉन में t। बात की अगर बेटा इसको अगर दो बार पूछता तो क्या करते, अगर दो बार पूछ लेता तो आप सब क्या करते, जैसे बेटा मान लेते इसको क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बेटा पावर आ गया जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल सर कम हो गई, यानी ए माइनस की थी तो माइनस का 2 गया। और बाबू अब तो टी का भी तो करना पड़ेगा, टी का भी करने से पड़ेगा, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो सर माइनस का ये नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, टी का स्क्वायर। और बाबू इसका जो मान है, इसका जो मान है वो कितना है सर, इसको पलट देंगे तो पलट के कितना जाए बेटा, 1/2 और ए और टी। तो बाबू इसका जो आंसर हो कितना आएगा, 2a और उसकी पावर कितनी, 3 आएगी, किसकी, अगर इसका 2 डिग्री डेरिवेटिव आप अगर करोगे। ठीक है बात करते हैं, आपको एक कैलकुलस समीकरण दे रखी है, डी स्क्वायर वाई और डीवाई डी एक्स की पावर 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस कोस डी वाई की कोटि पूछिए। बाबू कोटि का मतलब क्या होता है सर जी, अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन। बेटा अधिकतम अवकलन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है,
तो आपको इसकी कोटि जो बतानी है वो कितनी टंगी है सर जी? कोटि दो बतानी है। तो बेटा इसकी जो घात होगी वो घात क्या होगी? ए प्लस ए, क्या होगी? घात नॉट डिफाइंड। क्योंकि नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि सर जी आपका जो अवकलन है वो किसी एंगल के रूप में, एक की पावर्स के रूप में, एक की पावर्स के अगर लोग बचे तो वहां पे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। बात करते हैं इसकी क्या निकालेंगे बेटा? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है बेटा आयता वाला साइन चेंज करना। संयुग्मी का मतलब क्या होता है? आयता वाला साइन चेंज करना। तो करो बेटा आयता वाला साइन चेंज। तो सर जी प्लस का तो किसका जाएगा? माइनस का। इसका जाएगा बेटा प्लस का तो सर जी हो जाएगा माइनस का। बेटा इसको सॉल्व करते नीचे आयता नहीं कर जी, आयता हटाने के लिए क्या करेंगे सर? परिमेयकरण करेंगे। सर परिमेयकरण करोगे तो क्या बेटा ये हो जाएगा सर जी ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, और इसका जो मान होगा वो कितना आएगा सर? 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर तो 25। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 5 आयता और डिवाइड में 34 होएगा। कितना आएगा? 34। हाँ जी 34। अब वो बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, सवाल को पहले पढ़ो फिर आंसर निकालें। सर साइन tan x dx डिवाइड में sec x प्लस tan x, तो बेटा इसमें पहले परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो? परिमेयकरण कर दो। तो क्या जाएगा? tan x और इनटू dx और डिवाइड में कितना सर जी? sec x और प्लस का tan x। तो बेटा परिमेयकरण कर दो कितना जाएगा सर? sec x और माइनस का tan x हो जाएगा। और मुन्ना भाई नीचे भी एडिटिज करना है सर, sec x माइनस का tan x। बेटा नीचे तो एक हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा सर जी? sec x और tan x का समाकलन dx के साथ प्लस माइनस। इसको करो कितना जाएगा सर जी? tan का स्क्वायर और इनटू dx। बेटा sec x tan x का क्या होता है सर जी? sec x होता है। और मुन्ना भाई इसका करोगे तो क्या हो जाएगा सर? सीधा sec स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है किसको? इस वाले पार्ट को। अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर माइनस का 1 और इनटू dx। और sec स्क्वायर क्या होता है सर जी? tan x होता है। लो जी सर, और माइनस का एक का हो गया x हो गया। इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या लिखा हुआ है? 3x plus 5 और की पावर 7। तो बाबू इसका समाकलन करना है तो सर जी पावर क्या हो जाएगी? 1 ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर 1 ऑड हो जाएगी। जो पावर ऐड किया आपने वो डिवाइडेड, तो 3x plus का 5 की पावर 7 इनटू dx है। इसका समाकलन करो तो क्या आएगा? 3x प्लस का 5 और पावर कितनी बेटा? 1 ऐड होगी और डिवाइड में। अब सर x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। क्या आता है? डिवाइड में आता है। बात करें बाबू क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 के लिखा है परवलय 4y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20y प्लस 17 बराबर 0 की नाभिलंब। नाभिलंब की लंबाई बाबू, पहले तो मैं आपको जोगाड़ था दूसरा किसका है? नाभिलंब की लंबाई जो निकालनी होती है वो हमेशा अगर आपका जो परवलय y की तरफ खोलता है, अगर y की तो किसकी तरफ खुलेगा? हाँ जो सिंगल पावर है सर x के ऊपर खुलेगा तो x के ऊपर होगी, अगर y पे खुलता तो ना भी y पे होती। बेटा अगर x में खुल रहा है तो सर जी x का कोफिशिएंट लेना है और y पे खुला तो y का लेना है। तो बेटा बेटा पहले तो y का सिंगल होना चाहिए, तो पूरे समीकरण में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। दिख रहा होगा आपको 4 का भाग देंगे। ये लो सर जी 4 का भाग आपने दे दिया। तो 4 का भाग दो इसको 1/2 और कितना गया? 1/2। जो 1/2 है वही आपकी क्या जाएगी? नाभि हो जाएगी। बेटा ये आपका क्या जाएगा? नाभिलंब की लंबाई। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 का बेटा वर्त, अच्छा वर्त का बेटा यहाँ पे केंद्र पूछा होगा आपको। क्या पूछा होगा? वर्त का केंद्र पूछा है। ठीक है सर, पहले तो पूरी समीकरण 2 का भाग दो क्योंकि ये वाली पावर सिंगल हो चाहिए मान। तो सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई टू बराबर 0। तो सर जी मैंने क्या कहा? अगर केंद्र निकालने हैं तो x के कोफिशिएंट का आधा कर दो, चिन्ह बदल दो। सर इसका आधा किया तो 1/4 और प्लस है तो माइनस, माइनस दो प्लस। सर y है कि y नहीं है तो बेटा कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका क्या गया? केंद्र आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यदि a परिभाषित समुच्चय है, a है जिसमें n अवयव है, n अवयव है तो a से a में परिभाषित किए जाने जा सकने वाले संबंधों की संख्या। बाबू पहले तो आपको संबंधों की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास ये समुच्चय है इसमें n एलिमेंट है और ये आपके पास दूसरा समुच्चय है उसमें n, तो उसमें जो संबंधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर n गुणा n। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें भी n है और इसमें भी n ही है, यानी इसमें n इसमें, तो सर कितना जाएगा? सर जी n और गुणा n, तो कितना जाएगा? 2 की पावर n का स्क्वायर। ये आपका क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नंबर
18 बार दो परस्पर लंबवत रेखाएं के द्विगुणपात। बेटा दो द्विगुणपात अगर लंबवत है तो कल इसकी कंडीशन बताई थी a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, वो भी 0 के बराबर। कितना गया 3 हो गया, कितना गया इसको क्या तो 4 हो गया, इसको क्या तो कितना है 3 लैम्डा = 0। इसका जो मान है वो कितना हो गया माइनस का 7, तो लैम्डा का जो मान है वो सर माइनस का 7/3 आ गया इसका आंसर। बात करते हैं इसका मुख्य मान बाबू, अगर 10 में अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाता है 1/√3 माइनस 10 इनवर्स, और ये किसका मान होता है 10 में, सर 10 में होता है 30 का मान, किसका मान होता है 30 का मान, ये कट गया तो कटा तो आंसर कितना आया π/6 आया, कितना आया π/6। बात करें इसके सेकंड की, किसके सेकंड की, मैंने शो वाली नहीं लिखा, अरे सवाल चलो खैर मैं एक मिनट सवाल, हाँ जी सवाल क्या बेटा इसका a = कितना है 1, 5, 6 और 7 का सेकंड निकालना, ठीक है क्या निकालना है सेकंड निकालना, क्या निकालना है एडजॉइंट, इसका जुगाड़ मैंने बताया हुआ है आपस में, इनको क्या कर दो इंटरचेंज 7 और 1 इनके क्या दो साइन चेंज। आई होप आप सभी को क्वेश्चन 20 तक समझ में आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।